सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की प्रक्रिया हुई शुरू। जी हाँ, एक बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली के संबंध में। दोस्तों, काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। दोस्तों, खबर के अनुसार यहाँ पर राजस्थान के बाद में अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया के अध्ययन के लिए राजस्थान राज्य भेजे गए अध्ययन दल का प्रतिवेदन भी वित्त विभाग को प्राप्त हो गया है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी से जुड़े हुए किसी भी आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट geneweshindi.blogspot.com को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आगे यहां पर खबर में बताया गया है कि इस संबंध में चर्चा के लिए वित्त विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 6 अप्रैल को एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है और उस बैठक में पुरानी पेंशन व्यवस्था को कब से लागू किया जाना है और कर्मचारी अंशदायी कटौती कब से बंद की जाएगी, इस बारे में विस्तार से चर्चा भी की गई है। साथ ही एनपीएस के अंतर्गत पूर्व में की गई कर्मचारी अंशदान कटौती राशि और नियोक्ता अंशदान के प्रबंधन, एनपीएस अभिदाताओं का जीपीएफ या फिर डीपीएफ खाता खोलने की प्रक्रिया, नवीन जीपीएफ की अकाउंटिंग महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी रखने अथवा यह कार्य राजस्थान की तर्ज पर राज्य शासन के वित्त विभाग के अंतर्गत लाए जाने को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा पेंशन भोगियों को सुगमतापूर्वक भुगतान व पेंशन भोगियों की कठिनाइयों के निराकरण के लिए एक पेंशन सेल के गठन की आवश्यकता की संभावना भी यहां पर जताई गई है और 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू करने के दिनांक के मध्य सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों के प्रकरणों का निराकरण किस प्रकार किया जाएगा, इसको भी लेकर भी चर्चा की गई। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब यहाँ पर यह फैसला लिया जाना है कि किस तरीके से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। और आगे यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सरकार के इस फैसले से सरकार को लगभग 221 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यदि सरकार इस फैसले को लागू करती है तो 3 लाख से अधिक जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा और इसके अलावा सरकार के द्वारा जो अंशदान किया जाता है वो भी यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा, जिससे सरकार को लगभग 221 करोड़ रुपए की हर साल बचत होने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।